में रहे महफूज रहे, आवाम को घरों तक महदूद रखने का आज़म। लॉकडाउन का 19वां रोज, दफा 144 पर अमल दरामद के लिए पुलिस के सख्त इकदाम। कानून की खिलाफ वर्जी पर 1705 मुकदमा दर्ज। पुलिस ने अब तक 4781 गाड़ियों और थानों में बंद कर दिया। 3900 अफराद से सड़कों पर दोबारा ना निकलने के श्योरिटी बॉन्ड्स लिए गए। DIG ऑपरेशन। मूसी वायरस ने लाहौर को जकड़ लिया। रायवंड के बाद सिकंदरिया कॉलोनी और मखनपुरा भी सील। 17 केस सामने आने पर इंतजामिया ने मखनपुरा का कंट्रोल संभाल लिया। 154 घरों और मार्केटों में मुकम्मल लॉकडाउन। 50 से ज्यादा मुश्तबा अफराद के टेस्ट नमूने लेबोरेटरी भिजवा दिए। कोरोना फैलने का सबब स्पेन प्लट नौजवान बना। अहले इलाका सिकंदरिया कॉलोनी का इलाका भी मुकम्मल सील। 52 घरों में रिहाइश पजीर अफराद की स्क्रीनिंग। 80 से ज्यादा अफराद की रिपोर्ट्स का इंतजार। रायवंड में 11 रोज से लॉकडाउन जारी है। तबलीगी मरकज को जाने वाले रास्ते बददस्तूर बंद। लॉकडाउन के दौरान खुराक और अद्वियात की किल्लत नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम ना सका। में अस्पताल में एक और कोरोना का मुश्तबा मरीज दम तोड़ गया। कोट अब्दुल मालिक का 65 साल मरीज 8 अप्रैल से जेरे इलाज था। मरीज फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला था। सीओ में अस्पताल असद असलम की तस्दीक। शहर में कोरोना के 10 मजीद मरीज भी सामने आ गए। लाहौर में कोरोना का शिकार मरीजों की तादाद 373 तक जा पहुंची। पंजाब में भी कोरोना के 49 मरीज रिपोर्ट, 2336 हो गई। बिरूने मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का मिशन। PIA की खसूसी परवाज आज 125 पाकिस्तानियों को लेकर वापस आएगी। दूसरी परवाज से कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर 16 दिन से फंसे 175 पाकिस्तानियों को भी वापस लाया जाएगा। टोक्यो के लिए 12 अप्रैल को रिलीफ पर परवाज। जापानी शहरियों के लिए जरूरी सामान लेकर रवाना होगी। और पैरागन हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना माली बेजाबगियों का मामला। पैरागन हाउसिंग सोसाइटी को जमीन की खरीदो फरोख्त का इख्तियार ना दिया जाए। इंतजामिया की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने सोसाइटी इंतजामिया की दरख्वास्त पर फिरकैन के वकला को 21 अप्रैल को तलब कर लिया।